बिफोर हेयरकट यू कैन सी सच अ थिन एंड बहुत ही ज़्यादा पतले बाल हैं एज यू कैन सी एंड आफ्टर वाओ लवली एंड अमेजिंग. Guys, this was my first experience with this Alaya salon and I really loved it because I always wanted a new makeover and finally I got it. You can see I'm really loving it. And of course I came from Noida searching the best salon who can actually experiment with my very thin hair, and finally I just found out in YouTube channel and I reached over here. Ending up with this beautiful makeover, so I suggest every one of you should come here and get a new makeover of yourself. So, thank you so much for coming, ma'am. Thank you. Thank you. जी हाँ गाइस, देख सकते हैं बिफोर में इनका बॉल पैचेस भी नज़र आ रहा है, बैक से भी और ओवरऑल फ्रंट से. बट अगर आप राइट में देखते हैं तो वाओ, सच अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हेयर कट. तो जानना चाहते हैं इस हेयर कट को मैंने ऐसे क्या किया है जो इतना ज़्यादा बाउंस नज़र आ रहा है बालों में. और बताना चाह रही हूँ गाइस कि माय क्लाइंट शी कम ऑल द वे फ्रॉम नोएडा. जी हाँ, वो नोएडा से आई, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, शी इंस्पायर्ड विद माय हेयर कट्स एंड फाइनली शी केम टू गेट हर हेयर कट डन. तो जानना चाहते हैं, तो बताना चाहती हूँ गाइस कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आप लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं और सबसे पहले आपको वीडियो मिले, तो बेल आइकन को जल्दी से क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा. और हाँ गाइज, बताना चाहती हूँ शेयर लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा. तो देख इस बात की है, चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर, जहाँ पे पूरा बॉल्ड है, इनके बाद आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी ज़्यादा लाइट हेयर है. एंड जैसे कि आप मेरे बाल भी देख सकते हैं, जब मैं अपने बालों को वेट करती हूँ ऑफकोर्स थोड़ा सा लाइट नज़र आता है, बहुत ही पतले नज़र आते हैं. सेम वे गाइज कि जब बाल आप वेट करते हो तो पतले नज़र आते ही हैं, बट आप देख सकते हैं इनके बाल जो कि बहुत ज़्यादा थिन है और वो बहुत ही यू नो एक्सपेक्टेशन है उनका कि मैं उनको कुछ अच्छा देने वाली हूँ, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा ही है. इसी तरह चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में पतले बालों को आप कैसे काट सकते हो. है बहुत आसान, लेकिन जो टेक्निक है उस टेक्निक को मैं आपको सिखाती हूँ, कौन सी डिग्री में आप एक्चुअल में हेयर कट कर सकते हो पतले बालों में. क्योंकि अगर डिग्रीज ऊपर नीचे हुई तो बाल जो है और पतले नज़र आएंगे. तो मेक श्योर गाइस इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं कर रही हूँ प्रोफाइल सेक्शन, उसके बाद रेडियल सेक्शन. करने के बाद मैं अच्छे से फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप से टक कर दूँगी. तो आज जो मैं करने वाली हूँ हेयर कट, फ्रंट से बिल्कुल नहीं करूँगी. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से फ्रंट से ही हेयर कट करती हूँ, बट इनके बालों में जो मैं आज कट करूँगी बैक से स्टार्ट करूँगी. तो चलिए देखते हैं पहले सेक्शनिंग की, मैं सेक्शनिंग क्या कर रही हूँ. प्रोफाइल सेक्शन लिया है, ठीक है, उसके बाद रेडियल सेक्शन. प्रोफाइल सेक्शन को बोलते हैं जो आपका नोज़ होता है, सेंटर नोज़, ठीक है, नोज़ के सेंटर पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द हेड तक को बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन. उसके बाद रेडियल सेक्शन बोलते हैं टॉप ऑफ द हेड से लेके टॉप ऑफ द ईयर तक, ठीक है गाइज. तो मेरा जो चैनल है वो है ही बहुत ही बिगनर्स के लिए. अगर आप लोग बिगनर्स हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है. सबसे आसान ट्यूटोरियल होता है मेरे चैनल में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक से सेक्शनिंग कर रही हूँ. तो जैसे कि आपने देखा फ्रंट से सेक्शनिंग किया, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर, रेडियल सेक्शन निकाला, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, बैक से दो पार्टीशन में डिवाइड कर रही हूँ दो सेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने बैक से भी दो पार्टीशन में डिवाइड करना है. राइट में एक सेक्शन क्लिप से टक किया है, लेफ्ट में सेक्शन क्लिप से टक किया है. जैसे कि बहुत पतले बाल हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, देखा भी है आपने बिफोर एंड आफ्टर. इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी के भी बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो मेक श्योर गाइज एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपने,
फोकस करना है क्या, पतला पतला सेक्शन लेना है, जो सेक्शंस होएगा आपका वो थिन थिन होगा, लाइक क्लोज क्लोज सेक्शन लेना है आपने, ज़्यादा दूर दूर सेक्शन नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू कट हर हेयर। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उनसे आई एम आस्किंग हर कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए कितना शॉर्ट करूँ, राइट। तो जब हमने पूरा कंसल्टेशन किया एंड देन फाइनली शी सेड कि मेरा शोल्डर को टच करते हुए देना आप हेयर कट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो पहले मैं रफली चॉप कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप पतले बालों में काटते हैं बाल, ठीक है, जब बहुत पतले बाल है आप कट कर रहे हो, तो जो बैक है, जो उसका उनका जो बैक का जो बेस होता है वो हमेशा आप स्क्वायर में रखना, राइट, मतलब स्ट्रेट में रखना, तभी वो थोड़ा हेल्दी नज़र आता है। अगर आप यू दे देंगे तो साइड में जो है स्कैंटी स्कैंटी नज़र आता है, इट्स बेटर टू कि आप उनको स्ट्रेट दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम गिविंग हर स्ट्रेट हेयर कट। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है स्ट्रेट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, चेकिंग। सो चेकिंग इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चेकिंग भी करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा चेकिंग करते हुए जो राइट साइड है लेफ्ट साइड है दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, नाउ आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन। सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन एंड दिस टाइम आई एम जस्ट यू नो यू कैन सी एज यू कैन सी दैट माय सीजर, आई एम जस्ट फोल्डिंग माय सीजर एंड पुट इट इन माय पाम, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सीजर को फोल्ड किया, जब मैं सेक्शन निकाल रही हूँ सीजर को अपने फोल्ड करना है और अपने हथेली में रखना है, राइट। और उसके बाद आपने देख सकते हैं सीजर को किस तरह से फोल्ड करके मैंने दूसरे फिंगर में किया, और उसके बाद मैंने सीजर को फोल्ड करके हथेली के अंदर रखने के बाद, और अब मैं कट कर रही हूँ, दूसरा सेक्शन निकाल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए, मैं उसके बाद मैंने सीजर को नॉर्मल किया, जैसे मैंने कटिंग जिस तरह से मुझे कट करना है उस तरह से मैंने सीजर को लिया, होल्ड किया और मैं काट रही हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में करूँगी 45 डिग्री में। जी हाँ गाइस, आपने जो पहला जो कट करना है वो काटना है आपने 45 डिग्री में, ठीक है। उठा के पहले 90 डिग्री में नहीं करना, इस इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 90 डिग्री में वंस यू कट योर हेयर 90 डिग्री व्हाट हैपेंस दैट टाइम यू नो लाइक योर लाइक जो 90 डिग्री में कट करते हैं उस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी स्कैंटी हो जाता है। 90 डिग्री हर बालों में नहीं जचता, पहले आपने करना है 45 डिग्री और उसके बाद आपने 90 डिग्री करना है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैं 45 डिग्री कर रही हूँ फिर मैं 90 डिग्री कर रही हूँ, और जो गाइडलाइन ले रही हूँ, गाइडलाइन जब मैं लूँगी तो उस वक्त जो सेक्शनिंग होगा वो होगा वर्टिकल सेक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गाइडलाइन लिया, 45 डिग्री में काट रही हूँ, और जिस सेक्शन को आपने काटना है उसी डायरेक्शन के थोड़ा सा ऑपोजिट लेफ्ट में आपने खड़े होना है। देख सकते हैं आपका जो फुट स्टेप है वो धीरे धीरे बैक में जाता रहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में ध्यान देने वाली बात है, तभी आपका कट अच्छा होता है, तभी आपका क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड भी होता है और खुश होकर जाता है हमेशा के लिए, राइट। देखिए, वी आर नॉट परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में एवरी डे वी लर्न वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी अपने जो बड़े जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है आई ऑल्सो फॉलो देम, लाइक सैम विला, आई फॉलो सैम विला सर, आई फॉलो मुनीर सर, लाइक वो कलर में एक्सपर्ट हैं, उनका यूट्यूब में वीडियोज़ वो अपलोड करते, कभी वो ट्यूटोरियल्स नहीं डालते, बट येस इफ़ यू आर एक्सपर्ट, आप जल्दी से आप नोट करते हैं, आप जल्दी से नोटिस करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें क्या क्या टेक्निक वो यूज़ करते हैं, राइट। तो उन सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपने बिगनर्स, आर यू बिगनर्स, तो आपको स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। तो देखिए मेरे वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स के लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे भी आप काट सकते हैं, मतलब इतना इजी ट्यूटोरियल होता है मेरा। तो आप देख सकते हैं पहले 45 डिग्री में कट किया है और अभी 90 डिग्री में। सो हेयर अगेन आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन, यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है। इसी तरह मैंने सेंटर से शुरू किया है, अगेन 45 डिग्री तो काट ही चुके थे, अब तो आपको पता है 45 डिग्री में नहीं काटना, अब जाके आपने 90 डिग्री में काटना है, लेकिन फिर भी बालों को ज़्यादा उठाना नहीं है, नीचे नीचे ही रखना है। सो गाइस, इसी तरह लेफ्ट का भी करना है और राइट में। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि लाइक मे बी यू सीन
सब्सक्राइबर बटन के साथ में जो बेल आइकन है आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली आई जस्ट गॉट अ ज्वाइन बटन। अगर आप लोग मेंबर्स बनना चाहते हैं श्यामास मेकओवर का तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा। यू कैन टेक मेंबरशिप प्लान। जब आप मेंबरशिप प्लान लेते हैं आपको कुछ बैचेस मिलेंगे। अगर आप 1 month 2 month हो गए हो तो धीरे धीरे बैचेस के कलर्स चेंज होंगे। वंस यू आर गोइंग टू बी 1 year, जब आपको 1 year हो जाएगा उस वक्त जो आपका बैच है वो रेड में होगा और तब मुझे वो बैच के अकॉर्डिंग मुझे दिखेगा कि हाँ आप मेरे न्यू मेंबर्स हैं या आप मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं। कभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगी तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंस इन अ मंथ आपको मैं खुद कॉल करूंगी और आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज जो है आपको मैं, कोई भी क्वेरीज होती है, वेदर इट इज़ योर हेयर कलर क्वेरीज, वेदर इट इज़ योर हेयर कट क्वेरीज, एनी क्वेरीज, प्लीज़ यू कैन कॉल मी एंड इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर आप बहुत ही ब्रांड से आप कलर ट्रेनिंग लेते हैं, कलर की क्लासेस लेते हैं, लेकिन दोबारा आप अपने टेक्निकल सेंटर में कॉल करने से डरते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि ओहो अभी कॉल करेंगे वो पिक करेंगे नहीं करेंगे, मेरी जो क्वेरीज है वो सॉल्व होगी नहीं होगी। तो देखिए गाइस, अभी तक मैंने अपने चैनल में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं सबको उनके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अगर आप मेंबर्स हैं, अगर आपने मेंबरशिप प्लान लिया है और आपने अगर कमेंट्स किया, सबसे पहले मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगी। वैसे भी मैं रिप्लाई करती हूँ। देखिए आने वाले टाइम पर आई एम गोइंग टू बी यू नो सो बिज़ी। अगर आप मेंबर्स हैं तो आप मेंबर्स के लिए जितनी भी मैं बिज़ी होंगी उतनी ही उससे पहले बिज़ी होने से पहले मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स करूँगी, आप लोगों का कमेंट्स पढ़ूंगी, आप लोगों को उसका आंसर दूंगी, चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, राइट। ये सब बेनिफिशियल आप लोगों को मिलने वाला है। और गाइस देखिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं बिगनर्स थी मुझे बहुत सारे डाउट्स थे, मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम मैं किससे क्वेरीज करूँ, किससे पूछूँ। तो यही चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हेल्प होगी मेरे चैनल से। सो नाउ हियर आई एम चेकिंग, यहाँ पे मैं चेकिंग कर रही हूँ। तो गाइस चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, छोटा बड़ा हाफ ऑफ इंच का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हेयर कट में। तो अभी देख सकते हैं जब मैंने चेकिंग किया तो मैंने देखा राइट सेक्शन में थोड़े से बाल अनटाइटी नज़र आ रहे थे, तो मैंने उसको दोबारा से फिनिशिंग कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। देखिए गाइस, इस टाइम पे रात के यू नो 10 to 12, मतलब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट है और मैं इस वक्त आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, अपनी वॉइस इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि यू नो आप सभी लोग सीख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, फिर भी ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं, है ना, उन लोगों के लिए भी बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में जो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन को मैंने कट किया है, ठीक है, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पतला सा सेक्शन लिया वहाँ से, तो पहला जो है सेक्शन मैंने कट किया। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे बालों को काटने हैं, जो राइट सेक्शन के जितने भी बाल हैं, आई एम गोइंग टू कट ऑल द राइट सेक्शन हेयर। सो मेक श्योर गाइज, जब मैं राइट सेक्शन के बालों को कट करूँगी, इस सिचुएशन में जो मेरा फिंगर का फेस है वो अबव है और आप देख सकते हैं जो सीजर का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द डाउन है। सो फाइनली आई एम हियर, क्लाइंट्स लेफ्ट साइड, राइट, राइट सेक्शन इज ऑलरेडी डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू लेफ्ट साइड सेक्शन। जो जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे राइट सेक्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड में आई हूँ और जो यहाँ पे मैं कट करूँगी, इस सिचुएशन में ज़रा बताइए सीजर का डायरेक्शन, सीजर का जो फेस है वो ऊपर है, ठीक है, देख सकते हैं सीजर का फेस जो है अबव है, हाँ, और अगर आप देखते हैं फिंगर का डायरेक्शन जो है बॉटम की तरफ है, टूवर्ड्स द बॉटम। और जो गाइडलाइन मैंने लिया था वो मेरा राइट सेक्शन में जो कट किया था उसी को ही आपने लेफ्ट में लाना है और काटना है। और अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ, अब दोनों तरफ से कट करने के बाद मैं यहाँ पे चेकिंग कर रही हूँ। चेकिंग इज़ रियली अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो मेक श्योर चेकिंग करते रहिएगा, साथ साथ चेकिंग करना बिल्कुल ना ही भूलना। तो जब मैंने चेकिंग किया, मैंने देखा यहाँ पे कि अरे यहाँ तो फिर थोड़ा सा अनटाइडी नज़र आ रहा है। कई लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से कट करके छोड़ देते हैं क्योंकि इतनी जल्दी होती है, मुझे हेयर कट करने में बहुत टाइम लगता है, मैं पूरा कट 45 minutes to 1 hour मेरा लगता है पूरा हेयर कट करने में,
checking hair cut and wash and blow dryer सब कुछ करके wanna take for a haircut, right? फिर मुझे लगता है कि वाह मैंने कुछ तो किया है, तब सेटिस्फेक्शन लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैक के बाल मैंने कट किए थे उनको मैं फ्रंट के बालों के साथ मर्ज कर रही हूँ। यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है, और क्या, और बाकी सब चीज़ें होती रहती है। बेसिक अगर आपको नॉलेज हो जाएगा फ्यूचर में आप क्विकली क्विकली कैच कर सकते हो। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं तो बेसिक आप मेरे चैनल से सीखिए, एडवांस ट्रेनिंग लेते रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट का जो सेक्शन है उसको, उन बालों को मैंने लिया जो फ्रंट के बालों को मैंने कट किया था, आई एम टेकिंग द सेक्शन एंड देन सेम वे आई एम कटिंग द बैक साइड का जो सेक्शन है उसको भी इसके साथ मर्ज करना है, राइट? कभी भी याद रखिएगा, जब तक मर्ज नहीं करेंगे, हेयर कट मर्ज होना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग करते हो चाहे आप शॉर्ट करते हो। एक बार आपने बैक साइड कर दिया तो क्या हुआ, आपने मर्ज करके चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो यस गाइस, पूरे बालों में नीचे के बेस को कंप्लीट करने के बाद 45 डिग्री 90 डिग्री कट करने के बाद, फ्रंट के बालों को कंप्लीट करने के बाद, अब मैं आती हूँ क्राउन सेक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा ये जो क्राउन सेक्शन है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके थोड़ा सा बॉल पैच है, ज़्यादा तो नहीं बता सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बॉल पैच है, उसको मैं 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बाउंस क्रिएट करूँगी। तो क्राउन सेक्शन को मैंने बॉक्स सेक्शन लिया है, सबसे पहले टॉप सेक्शन को उठाऊँगी, 90 डिग्री में कट करूँगी, और जब मैं 90 डिग्री में कट करूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर पूरा कट करने के बाद अगेन मैं कॉम कर रही हूँ, चेकिंग किया, देखा ठीक है, दो पार्टीशन में डिवाइड किया, फ्रंट के बालों को ट्विस्ट किया, सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है, और जो मेरा गाइडलाइन था जो मैंने छोड़ा है आप देख सकते हैं उसको लिया है गाइडलाइन को, और यहाँ पे ये जो क्राउन सेक्शन है इसको उठाऊंगी और इसको भी 90 डिग्री में काटूंगी। तो आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी शी हैज़ अ वेरी थिन एंड फाइन हेयर, सो अकॉर्डिंग टू हर फाइन हेयर टेक्सचर एंड अकॉर्डिंग टू लाइक बॉल पैचेस एवरीथिंग आई एम गोइंग टू बी फोकस, राइट? सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कट को मैं कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए डिग्रीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये आते हैं हम लोअर क्राउन सेक्शन, इसको भी मैंने 90 डिग्री में उठाया है, और 90 डिग्री में उठाने के बाद इसको मैंने फिर कट कर दिया है, यहाँ पे भी कट करूँगी 90 डिग्री में, और यहाँ पे भी दो सेक्शन में डिवाइड किया। जो सेक्शन ले रही हूँ ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ सेक्शन। सो गाइस यहाँ पे मिडिल सेक्शन पूरा कट करूँगी, आप देख सकते हैं टॉप सेक्शन किया, क्राउन किया, लोअर क्राउन किया, अब ये नेप एरिया का जो सेक्शन है, जी हाँ ये नेप एरिया के थोड़ा सा ऊपर वाला सेक्शन लिया, ठीक है? और देखिए ऑक्सीपिटल बोन जो है, जी हाँ ऑक्सीपिटल बोन के पूरे एकदम 90 डिग्री में उठा के इसको काट दिया, ठीक है? उसके बाद आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो कटे हुए बाल हैं उनको मैं अलग से सेक्शन क्लिप से टक कर रही हूँ, और ये नीचे के जो बाल हैं यहाँ पे मैं सारा वर्टिकल सेक्शन में, याद है आपको इस सेक्शन को मैंने कौन से डिग्री में कट किया था, जी हाँ बताइए, इस सेक्शन को मैंने 90 डिग्री में कट किया था, जी हाँ। अब जो मैं कर रही हूँ ये मैं कट नहीं कर रही हूँ, ये मैं चेकिंग कर रही हूँ, याद है आपको लास्ट टाइम जो मैंने सबसे पहले यहाँ यहीं से तो स्टार्ट किया था, नीचे से बैक साइड से स्टार्ट किया था, याद है? बस इसी को जो डिग्री में आपने काटा था बस उस डिग्री में एक बार सेक्शन अच्छे से पतला पतला लेके एक बार चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये स्टेप को बोलते हैं चेकिंग, इसको कट नहीं बोलते, ये कट कर चुके हैं हम गाइस, राइट? तो इसको बोलते हैं चेकिंग, चाहे मैंने कर दिया लेकिन फिर भी मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ, राइट? सो गाइस इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ये है ग्लैम कॉम का पैलेट, आई शेडो पैलेट है जिसको मैं ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे ब्लैक कलर आई शेडो है, इसको मैंने लिया ब्रश के साथ, और उसके बाद बताइए मैं क्या करूँगी। जी हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका थोड़ा थोड़ा बॉल पैचेस है, जी हाँ बॉल पैचेस को मैं कवर करने के लिए हल्का सा ब्लैक आई शेडो से इसको कवर कर रही हूँ। सो गाइज आप लोग काजल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट का मस्कारा भी यूज़ कर सकते हैं,
डॉक्टर बत्रा का कुछ पाउडर होता है जो कि वो लोग हाइड करने के लिए स्कैल्प को, जो थोड़ा सा स्कैल्प विजिबल होता है उसको हाइड करने के लिए पाउडर एप्लीकेशन करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप घर में बनाइए काजल। आपको याद है बहुत साल पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी दादी माँ बनाया करती थी वो काजल, याद है आपको? जी हाँ, घर में दीवट में, दिया में वो काजल बनाइए। और उसके बाद उसको घर में बना हुआ काजल अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा बेनिफिशियल होता है, आई एम श्योर। आप लगा के देखिएगा। और फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दिस बॉल पैच। जी हाँ, आप देख सकते हैं बॉल पैच को किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, जी करके देखिएगा, इट्स वेरी बेनिफिशियल। वन ऑफ माई क्लाइंट टॉट मी, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज अ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली। शी टॉट मी कि कैन यू प्लीज गिव मी योर आई शेड, आई वॉन्ट टू जस्ट कवर माई दिस बॉल पैच। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, वाओ मैम सच अमेजिंग आइडिया। मैंने कहा मैम बड़ा अच्छा आइडिया है ये तो बॉल पैच को कवर करने के लिए। एंड देन यू कैन से नाउ टाइम फॉर यस गाइस, नाउ स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दिस बॉल पैच। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इनका मोस्टली जो स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है। और जब मैं इस आई शेडो को अप्लाई करूँ तो उसके बाद अब देखिए कितने अच्छे से ये बॉल पैच कवर हो रहा है। देखते रहिए, जाइएगा नहीं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी भी 3 मिनट्स, मोर देन 3 मिनट्स, यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल लुक। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कवर हो गया है ना। तो चलिए नाउ टाइम फॉर ब्लो ड्राई। And yes guys, if you want to see my more tutorial for blow dry, so please watch the videos. You have to search on YouTube blow dry by Shyama's Makeover. अगर आप लोग देखना चाहते हैं और भी blow dry का video, तो जाइएगा YouTube में सर्च कीजिएगा blow dry by Shyama's Makeover, जिसमें मैंने different type of blow dry सिखाया है। जाइए सर्च कीजिए, keyword tools type कीजिए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, देखिएगा जहाँ मैंने सिखाया है आसान तरीके से ब्लो ड्राई करना। मेरा चैनल है ही बिगनर्स के लिए, अगर आप लोग बिगनर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डेनमिन के ब्रशेस। पहले मैं स्ट्रेट करूँगी हल्का हल्का, और उसके बाद मैं आउट करूँगी, आउट करके हीट दूँगी, फिर 90 डिग्री में उठाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ हमारे असिस्टेंट होते हैं जो होल्ड करते हैं ड्राई, एंड देन वी डू ब्लो ड्राई प्रॉपरली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट किया, फिर मैंने हीट दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद उठा के 90 डिग्री में उठाया, इन्वर्ट्स किया, उसके बाद हीट दिया। सो कंटिन्यू। Now finally you can see there's no ball patch showing at all, बिल्कुल भी ball patch नहीं नज़र आ रहा है ना। ये Denman के खूबसूरत ब्रशेस का कमाल। और देखिए यहाँ पे फ्रंट से जो मैंने इनको बाउंस दिया था 90 डिग्री में उठा के, as you can see ball patch तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा है। और जो मैंने ब्रशेस यूज़ किया है, जी हाँ बहुत ज़्यादा बाउंस है। देखना चाहते हैं बिफ़ोर इनका? तो चलिए मैं आपको इनको दिखाती हूँ कि बिफ़ोर इनका कैसे था और आफ्टर देखिए। यस गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? सो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगा, बाकी बिगनर्स भी देख सके। आपके फ्रेंड सर्कल में कितने बिगनर्स ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा मेरे ये वीडियो। एंड और भी वीडियोस देखने के लिए आप जाइएगा चैनल में, एंड देन यू कैन चेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, see you very soon, bye.